Let's see a question from GATE Mechanical Engineering 2014. Question is from differential equation. The solution of the initial value problem, that means initial value problem में basically हमें general solution की जगह particular solution बताना होता है. तो उस तरह का question है, dy by dx equals to minus 2xy. और कांस्टेंट के वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस भी गिवन है. तो स्टार्ट करते हैं. ये तो बेसिक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास एक x है, एक y है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है. तो प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. क्या कर सकते हैं, dy के नीचे y को ले आते हैं. तो dy डिवाइडेड बाय y और राइट हैंड साइड में माइनस साइन एक्स और टू भी है हमारे पास. तो माइनस टू और एक्स डीएक्स, ठीक है. हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं. dy by y इंटीग्रेशन log y, मॉड में लिखना चाहिए, बिना मॉड के लिख लेते हैं, ठीक है. इक्वल्स टू x का x स्क्वायर by 2 और एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है. अच्छा, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए यहां एक कंडीशन गिवन है. क्या है वो कंडीशन, एक्स का वैल्यू 0 डाले तो वाई क्या आ रहा है, 2. तो उसका यूज करते हैं. एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो वाई का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स 0 तो वाई 2, तो इस इक्वेशन में डाले वाई को 2, तो log 2 आएगा हमारे पास equals to. राइट हैंड साइड में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर है. तो x का वैल्यू 0 डालना है हमें, तो माइनस 0 0 बाद बराबर होता है, तो 0 लिख दें, प्लस c, ठीक है. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि c का वैल्यू हमारे पास log 2 आ चुका है, ठीक है. इस सी का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कहां पे कर देंगे, इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, log y equals to minus of x square और plus of c. c क्या है, log 2. अब मैं क्या कर रहा हूं, log वाले टर्म्स को एक साथ लिखने के लिए इस टर्म को LHS में ले जा रहा हूं. तो हमारे पास log of y माइनस log of 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. तो हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है log का, कि log of a माइनस log of b इक्वल्स टू log of a by b, प्रोवाइडेड दोनों का बेस सेम हो. और बेस ज्यादातर कैलकुलस में हम e मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी e मान के चलते हैं. तो बेस e है, तो इसको हम कंप्रेस करके क्या लिख सकते हैं, log of y by 2 और उसका वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस x स्क्वायर के. अब मैंने बोला कि e मान के चल रहे हैं बेस, तो एक और प्रॉपर्टी है log का, कि log x अगर बेस a हो और ये b के इक्वल हो, तो यहां से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x equals to a power b. तो यहां से हम y by 2 equals to e power minus x square लिख ही सकते हैं आराम से, ठीक है. तो y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 2 को उधर भेज दे तो 2 e power minus x square. जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वहां ऑप्शंस भी अवेलेबल थे. मैं अभी स्टार्टिंग में ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि आप ज्यादा फोकस
सॉल्यूशन पे करें, कॉन्सेप्ट पे करें, ना कि ऑप्शंस पे। आप बिना ऑप्शन के भी इतने फ्लुएंट होने चाहिए कि एटलीस्ट आंसर तक पहुंच जाए। उसके बाद बेसिक मैनिपुलेशन तो हम कर ही सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो y इक्वल्स टू 2e-x2। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये होता है कि कॉन्स्टेंट नहीं होता हमारे पास, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमने निकाल लिया कि कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। तो आसान क्वेश्चन लगा होगा, ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।